अभी मैंने श्लोक की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि गुरु की सेवा करना शिष्य का पहला कर्तव्य है, आगे बढ़ने का एक क्रिया है, और यह सेवा आगे बढ़कर के समर्पण की भावना में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि छाया की तरह गुरु के साथ रहना और निरंतर उनकी रक्षा करते हुए उनकी सेवा में रत रहना और उनको सुख पहुंचाने का हर क्षण मन में भाव रखना समर्पण है। हर क्षण इस बात का चिंतन रहे कि हम चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो, ये जरूर नहीं है कि हम हर क्षण गुरु के चरणों के पास ही हो। यदि गुरु हमें काम सौंपते हैं उनसे 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर हो, वहां पर भी हमारा चिंतन हर समय गुरु के चरणों में रहे, हर क्षण ऐसा प्रयत्न रहे कि कोई तरीका हो जिससे हम गुरु से बातचीत कर सके, उनसे आज्ञा प्राप्त कर सके, उनको कहें कि आप हमें उस आज्ञा दीजिए मैं उस काम को करूं, और यदि उन्होंने कोई काम सौंप दिया है तो सारे काम छोड़कर उस कार्य को संपन्न करे बिना किसी प्रकार का विचार किए। ऐसी क्रिया को समर्पण कहा जाता है। समर्पण का मतलब है अपने पूर्णता के साथ विसर्जित कर देने की क्रिया। जो कुछ हम हैं, हमारी बुद्धि, हमारी भावना, हमारे विचार, हमारा चिंतन और हमारा देह, हमारे प्राण, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करते हुए केवल इसी बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि वो आज्ञा दे हम करें, इस बात का विचार किए बिना कि वह क्यों और क्या आज्ञा दे रहे हैं, कैसी आज्ञा दे रहे हैं और उन आज्ञा देने के पीछे उनका मतलब और मकसद क्या है, हम इनको नहीं सोचे। सोचना शिष्यता की न्यूनता है, इसलिए न्यूनता है कि हम गुरु की ऊंचाई को नहीं समझ सकते। जब नहीं समझ सकते तो एक नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति उस हिमालय की सर्वोच्च चोटी को वहां से खड़ा खड़ा नहीं देख सकता, समझ नहीं सकता। और जब सेवा और समर्पण में शिष्य पारंगतता प्राप्त करता है, जब वह पूर्ण रूप से सेवामय बन जाता है, जब पूर्ण रूप से समर्पण युक्त बन जाता है, तो अपने आप में साधना का उदय उसके प्राणों में होने लग जाता है। उसके लिए फिर मंत्र जाप जरूरी नहीं है, क्योंकि सेवा ही अपने आप में मंत्र है, समर्पण ही अपने आप में पूरी साधना है। साधना करने के लिए काली के मंत्र जाप करना या लक्ष्मी के मंत्र जाप करना आवश्यक अनिवार्य है ही नहीं। यदि हम पूर्ण रूप से सेवा कर लेते हैं, यदि पूर्ण रूप से समर्पित कर लेते हैं, अपने आप को समर्पित करते हुए समर्पण कर लेते हैं, तो अपने आप में समस्त देवियां और समस्त साधनाएं स्वतः हमारे सामने उपस्थित हो जाती है, और ऐसी स्थिति होने पर ही हम सही अर्थों में शिष्य कहलाने का गौरव प्राप्त करते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हम शिष्य हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमने शिष्यता प्राप्त की है, तब हम कह सकते हैं कि हम शिष्य के अनुरूपता हैं। इसलिए श्लोक के तीसरे चरण में, तीसरी लाइन में ये कहा है कि निरंतर उस गुरु मंत्र को जो गुरु ने मंत्र दिया है, जो गुरु मंत्र है उनको होठों पर अंकित कर ले, खोद दे, लिख दे अपने होठों पर। हर क्षण वह शब्द वह मंत्र होठों से निकलता ही रहे 24 घंटे। भर नींद में भी अगर हमारे होठों से गुरु मंत्र निकलता है तो समझना चाहिए कि हमें समर्पण की भावना आई है। और ऐसा चिंतन, ऐसी क्रिया यदि साधक करता है, शिष्य करता है, तो अन्य साधनाओं को करने की उसको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन साधनाओं को करने के बाद ही क्या प्राप्त हो जाएगा। वे साधनाएं और वे उच्चताएं, वे देवी और देवता तो अपने आप में गुरु में समाहित हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वह पूर्ण ब्रह्म है, और जहां पूर्ण ब्रह्म है वहां समस्त देवी और देवताएं समाहित हैं। तो अलग अलग देवियों और देवताओं की आराधना करने से हजारों हजारों देवियों और देवताओं की हम कब तक आराधना साधना संपन्न कर सकेंगे। इसकी अपेक्षा यदि हम केवल एक गुरु को स्मरण कर लेते हैं, यदि हम केवल गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, यदि हम केवल गुरु की साधना ही कर लेते हैं, तो उन सभी देवी देवताओं की साधना तो अपने आप हो जाती है। ऐसी स्थिति जब प्राप्त होती है तब सही अर्थों में वह शिष्य बनने की क्रिया प्रारंभ करता है, वह सही अर्थों में शिष्य बनता है। और जीवन का सौभाग्य है कि हम किसी के शिष्य हैं, यह जीवन का सौभाग्य है कि कोई हमारा गुरु है, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे सिर पर किसी का हाथ है, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे होठों से गुरु शब्द उच्चारित होता है,
और ये हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु के चरणों में बैठे हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन किया है, हमने अपने जीवन में उनकी सेवा की है, उनके पांव धोए हैं, उनके पांवों को दबाया है, उनको सुख पहुंचाने की कोशिश की है और उनसे वह दिव्यता वह तेजस्विता प्राप्त की है जिसकी वजह से जीवन पूर्णता और सफलता प्राप्त होती है। दिव्यो वदन्तम् भवनित्यरूपम् चिंत्यम विचिंत्यम भवताम सदैवम तापोत्रयम पूर्णमदैव रूपम गुरुर्वैकतान्यम गुरुर्वैवतान्यम। जीवन के सारे संबंध स्वार्थ से युक्त है। यदि हमारी पत्नी है तो स्वार्थ की वजह से हमारी पत्नी बन सकी है या हम उनके पति बने हैं तो स्वार्थ है। यह स्वार्थ है कि वह मेरे घर में रहे, यह उसका भी स्वार्थ है कि मुझे एक पति मिले और यह स्वार्थ है कि मुझे पुत्र उत्पन्न हो। और जिस क्षण पति नहीं रहता उसके बाद भी न तो उसके प्राण निकलते हैं, न वह मृत्यु को प्राप्त होती है, न मन में किसी प्रकार का चिंतन विचार आता है। 4-6 दिन, महीने, 2 महीने रो लेती है, वापस उसके जीवन का क्रियाकलाप वैसा ही चलने लग जाता है जैसा पति के समय था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल स्वार्थ के आधार पर संबंध था। पति और पत्नी के संबंध, पुत्र के संबंध, पोत्र के संबंध, भाइयों के संबंध, माता पिता के संबंध, ये संबंध तो केवल स्वार्थ पर आधारित है। यदि हम कमा करके देते हैं तो पिता हमारी प्रशंसा करता है और यदि हम कमा कर नहीं दे तो पिता हमें गाली देने लग जाता है, कहता है तुम कुपूत है, बेकार है, व्यर्थ है। तो हम अच्छे और बुरे नहीं थे, हमारा कमाने और नहीं कमाने की स्थिति अच्छी और बुरी थी। नहीं कमा रहे इसलिए खराब हो गए हम, और हम कमा रहे थे इसलिए बहुत बुद्धिमान हो गए, इसलिए कि हमारे पिता पुत्र का संबंध स्वार्थ पर आधारित था। सारे समाज के संबंध स्वार्थ पर आधारित है, चाहे मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो। मगर एक संबंध ऐसा है जिनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, वह गुरु है। क्योंकि गुरु हमारा भाई नहीं होता, गुरु हमारे मां नहीं होते, बाप नहीं होते, संबंध नहीं होते, पति नहीं होते, पत्नी नहीं होते। वह बिल्कुल एक अलग तत्व है और अलग तत्व होने के बावजूद भी हम उनसे जरूर से ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनमें एकाकार होने के लिए प्रयत्नशील है और वह भी हमें उतना ही ज्यादा प्यार प्रेम और स्नेह देता है। इसलिए ये संबंध मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होते, मृत्यु के बाद भी गुरु बिल्कुल हमारे संपर्क में रहते हैं। उस समय तक जब तक हम अन्य लोकों में विचरण करते हुए वापस जन्म नहीं ले लें, वापस सयाने नहीं हो जाएं, वापस समझ प्राप्त नहीं कर लें और वापस हम उस गुरु के वापस चरणों तक नहीं पहुंच जाएं, इस सारे क्रियाकलाप में गुरु की दृष्टि बराबर हम पर बनी रहती है। इसलिए उनका ऋण तो अपने आप में अद्वितीय ऋण है जिसको हम उतार नहीं सकते। और जो गुरु से संबंध नहीं रख सकता वो समाज से भी संबंध नहीं रख सकता। जो गुरु को पसंद नहीं कर सकता वह संसार में किसी को पसंद नहीं कर सकता, अपने आप को पसंद नहीं कर सकता, वह देवताओं को पसंद नहीं कर सकता। जो गुरु को संतुष्ट नहीं कर सकता वह देवताओं को संतुष्ट कैसे करेगा? जो गुरु की सेवा नहीं कर सकता वह देवताओं की सेवा कैसे कर सकेगा? जो गुरु मंत्र का सही ढंग से जप नहीं कर सकता वह साधना के मंत्र जप कैसे करेगा? ये तो संभव नहीं है। इसलिए इन क्षण भंगुर संबंधों को, क्योंकि कोई भाई हमारा है तो तब तक हमारा भाई है जब तक हम जीवित हैं, जो ये मृत्यु को प्राप्त हुए हमारा भाई का संबंध समाप्त हो जाता है, हमारे पिता का संबंध समाप्त हो जाता है। हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पिता कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस लाश को ले जाओ, शमशान में जला दो, ज्यादा देर घर में रखना ठीक नहीं है। और जो तुम्हारा पुत्र था, जो जवान था, तुम्हारा साथ रहा था, तुम्हें कमा के दिया है, तुम्हें सुख दिया है, और मृत्यु के तुरंत बाद तुम घंटे दो घंटे बाद ही उसको जलाने के लिए कोशिश करने लग जाते हो, कितना स्वार्थ में संबंध है। और जैसा कि मैंने बताया कि गुरु का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध स्वार्थ में नहीं होता, वो मृत्यु के बाद भी गुरु तत्व उसके साथ रहता है, गुरु बराबर उसकी प्राण तत्व पर ध्यान रखता है और जिस लोक में भी जाता है, जिस योनि में भी जाता है, गुरु तत्व उसके साथ रहता है। जब तक वापस जन्म नहीं ले लेता तब तक वो प्रयत्नशील रहता है गुरु कि मेरा शिष्य वापस जन्म ले ले समझे और शयाना होने के बाद मेरे चरणों में वापस पहुंच जाए। इस पूरी एक परिक्रमा तक गुरु साथ रहता है। इसलिए गुरु शिष्य के संबंधों को संसार का और ब्रह्मांड के अद्वितीय संबंधों को कहा गया है। ऐसे संबंध नहीं बन सकते, ये तो अपने आप में अद्वितीय संबंध है। और इसलिए जीवन में यह जरूरी है कि हम
दौड़ करके, उमस करके, उलस करके गुरु के पास पहुंचे, हमारे चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव हो, मरा हुआ भाव नहीं हो, उदास नहीं हो, चिंतित नहीं हो, परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो, हम इस प्रकार से उल्लसित होते हुए जाएं जैसे एक बछड़ा दौड़ता हुआ गाय के थनों से जाके मिल जाता है, गाय के पास पहुंच जाता है। अपनी मां के पास पहुंचने में उस बछड़े को कितनी खुशी होती है, कितनी दौड़ होती है, कितना आह्लाद होता है, कितनी उछलता है। ठीक इसी उछल कूद के साथ हम गुरु के चरणों के पास पहुंचे, यदि हम गुरु ने आवाज दी हो तो, और यदि गुरु ने आवाज नहीं भी दी हो तब भी हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है कि हम उनके चरणों के पास पहुंचने के लिए प्रयत्न करें, जाएं उनके चरणों की ओर अपनी दृष्टि से देखें, हम खड़े रहें, उनकी आज्ञा को प्राप्त करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। और गुरु हमारी स्थिति का, हमारे देह का, हमारे प्राणों का जो उपयोग करे हम करने दें, ये हमारा सौभाग्य होगा, ये तो हमारा विशेष सौभाग्य होगा कि गुरु ने हमारे देह का उपयोग किया, गुरु ने हमारे प्राणों का उपयोग किया, गुरु ने हमारे कर्तव्यों का उपयोग किया, गुरु ने हमारे कार्यों का उपयोग किया, गुरु ने हमारी भावनाओं का उपयोग किया, ये हमें सौभाग्य दिया। उनकी आज्ञा अपने आप में आज्ञा नहीं है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हजारों हजारों शिष्यों में से हमें ये काम सौंपा। ये तो हमारा शरीर एक मुट्ठी भर राख के मूल्य से ज्यादा मूल्यवान है ही नहीं, हम चाहे इस पर कितना ही घमंड करें, कितना ही गर्व करें, इसमें कुछ नहीं है। यदि सही अर्थों में देखा जाए तो इसमें लार, थूक, मल और विष्ठा के अलावा इस शरीर में है क्या? एक खून है, नाड़ियां हैं, हड्डियां हैं, मल है, थूक है, लार है, विष्ठा है, फिर भी गुरु ने अपने प्राणों से इस शरीर को पवित्र किया है, हमारे शरीर को स्पर्श किया है, हमें दीक्षा दी है और इस शरीर का उपयोग करने का प्रयत्न किया है। इससे ज्यादा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? हमारे कार्यों का उपयोग करना शुरू किया है, हमें कार्य सौंपे हैं, हमें अपने पास बुलाया है और हम उलझते हुए उनके पास पहुंचे हैं। और जो शिष्य उलझता हुआ, उमसता हुआ, दौड़ता हुआ, उछलता हुआ और प्रसन्नता के अतिरेक में उनके चरणों में पहुंच जाता है, बस यही अर्थ में शिष्य और उनके चरणों में उसी प्रकार से बैठ जाए जिस प्रकार से जब चिड़िया बाहर जाती है दाना लेने के लिए और जब घोंसले में वापस लौटती है तो उस चिड़िया का बच्चा किस प्रकार से उमस करके उसके पंखों के नीचे छुप जाता है, चिपक जाता है उसके सीने से, अपनी माँ के सीने से, उस वक्षस्थल से चिपक करके बिल्कुल निर्भयता अनुभव करने लग जाता है। उसी प्रकार से हम उनके चरणों में लिपट जाएं, अपने आप को सुरक्षित कर लें, उलस करके, उमस करके उनके चरणों में एकाकार हो जाएं। जिस प्रकार से एक बेल पेड़ के चारों ओर लिपट करके एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार हम अपने हाथों को बेल बना करके और उन गुरु के चरणों से लिपट जाएं, एकाकार हो जाएं, अपने आप को समग्रता के साथ उनके शरीर से एकाकार कर दें। अगर ऐसी स्थिति हमारे जीवन की है और बनती है तो हम शिष्य हैं और ये शिष्यता की एक श्रेष्ठता है। ये जरूर नहीं है कि गुरु आप बुलाएं, ये जरूर नहीं है कि गुरु आज्ञा दें, ये जरूर नहीं है कि गुरु आवाज दें, मगर ये जरूरी है कि हम दौड़ें, ये जरूरी है कि हम जाएं, ये जरूरी है कि हम उनकी आज्ञा के लिए प्रतीक्षारत रहें और जिस दिन वो हमें आज्ञा दे और हमारे लिए वह दिन उत्सव बन जाए, हमारे लिए वह दिन दिवाली बन जाए, वो हमारे लिए त्योहार में बन जाए कि उन्होंने आज्ञा दी और हमने काम किया, उनके चरणों में अपने आप को विसर्जित कर दे, अपना सिर उनके चरणों में टिका दे और अपने आप को सुरक्षित अनुभव करने लग जाए। ऐसी स्थिति जब बनती है तब शिष्यता और समर्पण की स्थिति बनती है, तब हम सही अर्थों में समझ सकते हैं कि हम शिष्य हैं। और जिस दिन 24 घंटों में या दिन रात में एक बार भी गुरु ने कोई आज्ञा नहीं दी या हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया या उनके बताए हुए काम को आगे नहीं बढ़ाया तो समझना चाहिए कि वह दिन हमारा व्यर्थ गया, वो हमारी जिंदगी का दिन था ही नहीं, वह दिन तो व्यर्थ हो गया। और रात्रि को चिंतन मनन करने पर घोर पश्चाताप अनुभव हो, मन में दुख हो, मन में एक मंथन बने कि आज ऐसा खराब दिन मेरा क्यों बीता कि मैं न उनकी आज्ञा का पालन कर सका, न उन्होंने मुझे कुछ आज्ञा दी, न मैं उनके चरणों में पहुंच सका, न उनसे बातचीत कर सका, और अगर मैं दूर हूं तो उन्होंने मुझे जो काम सौंपा था उस काम को मैं एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा सका, इससे ज्यादा खराब समय, इससे ज्यादा खराब दिन और कुछ हो ही नहीं सकता।
जब ऐसा पश्चाताप की भावना मन में आती है तो समझना चाहिए कि वह शिष्य अपने आप में पवित्र बनता है, वह अपने आप में दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। उनके बताए हुए काम को, लक्ष्य को, चिंतन को निरंतर एक एक इंच, एक एक पल आगे बढ़ाते ही हमारे जीवन की पूर्णता बननी चाहिए, ये हमारे जीवन का चिंतन बनना चाहिए। सुरभिर्वतैवां सहितं सदेवं श्वासोच्छ्वासं रहितं मदैव गुरुत्वं सदैव पूर्णमदैव चिन्त्यम् आविर्भवेतु सहितं मदैव। गुरुदेव तो हिमालय के समान अत्यंत पवित्र और दिव्य है, अपने आप में अद्वितीय है, गौरी शिखर की तरह अपने आप में पवित्र है, श्रेष्ठतम है, और हम उस पूरे स्वरूप को अपनी आंखों में उतारे, एक तक उनको देखते रहे, उनके स्वरूप को देखते हुए अघाए ही नहीं, हमारी आंखें प्यासी की प्यासी रहे, जितनी बार भी हम गुरु को देखें एक नवीन तरीके से हम देखने की क्रिया करें, ऐसा लगे कि इस पूरे व्यक्तित्व को अपनी आंखों में उतार ले, अपने प्राणों में बसा ले, अपने शरीर में एकाकार कर ले, उसकी प्यास बुझे ही नहीं। और शिष्य की अगर प्यास बुझ जाती है, देखने की भावना ही समाप्त हो जाती है, तो शिष्य है ही नहीं, वह तो उस पूरे व्यक्तित्व को अपने अंदर उतारने की कोशिश करता है मगर उतार नहीं सकता, संभव नहीं है। पूरे हिमालय को अपनी आंखों में उतार देना एक साथ संभव नहीं होता, मगर यदि हम प्रयत्न करते हैं, निरंतर इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, निरंतर हमारी प्यासी आंखें एक टक देखती रहती हैं, उनकी आहट को सुनती रहती हैं, ऐसा लगता है कि अभी अभी गुरु कमरे में आए और हमसे बात की है, अभी अभी एक सुगंध का झोंका आया है और एहसास करके गया है। यदि हर क्षण ऐसा चिंतन, ऐसा विचार होता है, हमारे स्वप्नों में वो आते हैं और हमसे बात करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं और वो सामने खड़े होते हैं, हम बैठे हैं और गुरु हमसे बातचीत करने लग जाते हैं, हर क्षण इस प्रकार की भावना बनने पर शिष्यता की प्रारंभिक सीढ़ी बनती है। इसलिए गुरु तो अपने आप में एक संपूर्ण वसंत है और पूर्ण सुगंध के साथ वह गुरु प्रभावित होते हैं, बहते हैं, क्योंकि तो वसंत तो अपने आप में सुगंध समेटे हुए आगे की ओर अग्रसर होते हैं, बहते हैं। ये हमें गुण होना चाहिए कि हम उस सुगंध को अपने आप में समाहित कर लें, उस सुगंध को नथुनों में भर लें, नेत्रों के माध्यम से, नथुनों के माध्यम से, नाक के माध्यम से, कानों के माध्यम से, मुख के माध्यम से और शरीर के रोम रोम के माध्यम से उस सुगंध को, उस वसंत को अपने आप शरीर में उतार लें। यह अपने आप में उतार देने की क्रिया समर्पण और शिष्यता की क्रिया है। गुरु तो अपने आप में एक मेघखंड है, बादल है, जिसमें अत्यंत मधुर अमृत भरा हुआ है और हम एक तक देखते रहे, और ये हमारा सौभाग्य बने कि उस बादल को हमारे ऊपर बरसने के लिए प्रेरित करें, हम उस जगह खड़े हों जहां बादल हम पर बरसे, जहां गुरु की कृपा बरसे और हम भीग जाएं, हमारा तन, हमारा मन, हमारे प्राण, हमारी चेतना, हमारी दृष्टि, सब कुछ उस अमृत से भीग कर एकाकार हो जाए, हम अपने आप में आनंदित, प्रफुल्लित और अद्वितीय बन जाएं। गुरु तो जीवन का सौभाग्य होता है जिसको अपने ललाट पर, अपनी मांग में भरने की जरूरत है। गुरु तो एक स्वामी होते हैं, अपने सखा होते हैं, अपने मित्र होते हैं, अपने स्वजन होते हैं, अपने बंधु होते हैं और जीवन की पराकाष्ठा होते हैं। उनको बाहों में भर लेना, उनको प्राणों में उतार लेना, उनको अपने आप में एकाकार कर लेना जीवन की श्रेष्ठता है, और वास्तव में वह सौभाग्यशाली है। वास्तव में उनके भाग्य से देवता भी ईर्ष्या करते हैं जो गुरु को अपनी बाहों में भर सकते हैं। वास्तव में उनका तो कोई तुलना, उनकी कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता कि जो गुरु के चरणों में अपने आप को विसर्जित कर लेते हैं, अपने सिर उनके चरणों में टिका देते हैं। वास्तव में उसकी तुलना तो हो ही नहीं सकती कि उनका वरदहस्त हमारे सिर पर हो और उस क्षण को हम जीवित जागृत चैतन्यता के साथ पी सके। गुरु की एक मोहिनी छवि, एक अद्वितीय रूप, एक अद्वितीय सौंदर्य अपनी आंखों के माध्यम से उतार सके,
अपनी आंखों में बसा सके, 24 घंटे उन आंखों से उनको निहार सके, देख सके, उनको अपनी भुजाओं में भर सके, उनको अपने सीने से लगा सके, उनको हम सुख पहुंचा सके, उनको हम संतुष्टि दे सके, उनको जीवन की पूर्णता और तृप्ति दे सके, उनको प्यार दे सके, उनको प्रेम दे सके, उनको एक अद्वितीयता दे सके, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। ये उनकी कृपा है कि हमें ऐसा अवसर दिया। ये उनका एक श्रेष्ठता का हेतु है कि उन्होंने हमें चुना। और यदि ऐसा होता है तो हम समझना चाहिए कि वास्तव में करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से हमारा विशेष सौभाग्य है। करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में हम कुछ हैं कि हमें गुरु ने अपने पास बुलाया है। जरूर हमारा विशेष सौभाग्य है कि हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। जरूर हमारे जीवन के पुण्य उदय हुए हैं कि उन्होंने अपने पास बुलाया है, आवाज दी है, उनकी ओठों पर हमारा नाम है। यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हजारों लाखों शिष्यों में से मेरा नाम गुरु के ओठों पर है, गुरु ने मेरे नाम को आवाज देकर के बुलाया है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है जीवन में। इसलिए गुरु को एक सुगंध कहा गया है, गुरु को एक मस्ती कहा गया है, गुरु को जीवन की छलछलाहट कहा गया है, जीवन को और गुरु को अपने जीवन की पूर्णता कहा गया है। गंगा का एक जल कहा गया है जिसमें स्नान करने से अपने आप में दिव्य देह और पवित्रता बन जाती है। उनको सिद्धाश्रम का सिद्ध पुंज योगी और सिद्धाश्रम का सिद्ध योगा झील का एक हेतु कहा गया है कि हम गुरु के चरणों में रुके, ठीक ऐसा ही लगे कि जैसे सिद्ध योगा झील में अपने आप में अवगाहन कर रहे हैं। इसलिए तो शिष्य की महानता है, इसलिए तो उसके जीवन के इतिहास बनते हैं। और शिष्य के जीवन का इतिहास यही है कि जीवन के किसी पन्ने पर गुरु ने उसको बुलाया था, जीवन के किसी पन्ने पर गुरु के चरणों में हम रहे, हमारे पूरी जिंदगी के किसी पन्ने पर यह लाइन लिखी हुई है कि गुरु ने हमें अपनाया, अपनी भुजाओं में भरा, अपनी बाहों में समेटा, हमसे बातचीत की। और जीवन के किसी पन्ने पर यह लिखा होगा कि हमने अपनी आंखों से गुरु के स्नेह को, प्यार को, सौंदर्य को अपनी आंखों के माध्यम से प्राणों में उतारा, हमने उनको संगीत सुनाया, हमने उनको वाद्य यंत्र सुनाए, हमने उनकी सेवा की, हमने उनको प्रसन्न किया। और इसके बदले में गुरु इतना अधिक ज्ञान, इतनी अधिक चेतना, अधिक प्राण तत्व दे देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हमारा सारा शरीर दिव्य पवित्र और अद्वितीय बन जाता है, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमारा सारा मलिनता खत्म हो जाती है, ये मामूली देह अपने आप में दिव्य देवतामय देह बन जाती है। ऐसा ही तो जीवन हमें चाहिए। और जब ऐसा जीवन प्राप्त होता है तभी हमारे जीवन की पवित्रता और दिव्यता, तभी हमारे जीवन की श्रेष्ठता और अद्वितीयता प्राप्त होती है। चैतन्य रूपम मपरम सदैव ज्ञानो वतैवे सहितम वदार्ये किं तत्वरूपम अपरम त्वदेयम् चिंत्यम विचिंत्यम गुरुवै पुरन्नम्। शिष्य का तात्पर्य है अपने जीवन को सौभाग्य में परिवर्तित कर देने की क्रिया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पृथ्वी तल पर उपस्थित हैं, जीवित हैं, जागृत हैं, चैतन्य हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है, हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हमें अपने जीवन में कोई ऐसा जागृत और चैतन्य गुरु मिला। हमारी पिछली पीढ़ियों को ऐसा गुरु नहीं मिल सका, दादाओं को, हमारे परदादाओं को नहीं मिल सका, ये उनका दुर्भाग्य है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा गुरु मिल सके ये कोई जरूर नहीं है, पर ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा गुरु है, है और हम उनके चरणों में हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो शंकराचार्य के चरणों में रहे वे रहे, आज का एक व्यक्ति चाहे करोड़ रुपए खर्च करके भी शंकराचार्य के चरणों में बैठना तो संभव नहीं हो सकता। जो कृष्ण के साथ रहे वो रहे, हम उनके साथ नहीं रह सके, ये हमारा और हमारी पीढ़ी का दुर्भाग्य है। मगर आज जो गुरु है उनके चरणों में हम बैठे ये हमारा सौभाग्य है। यदि हम इस सौभाग्य से वंचित हो जाते हैं तो फिर हमारे जैसा कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता, फिर हमारे जैसा कोई पापी नहीं हो सकता, फिर हमारे जैसा कोई न्यून नहीं रह सकता। इसलिए सारे काम छोड़ करके हमारा प्रत्येक पल इस बात के लिए प्रयत्नशील हो कि हम किस प्रकार से गुरु के चरणों में पहुंचे।
यात्रा करके, परिश्रम करके और अपने समय को देकर के, जैसे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, जिस प्रकार से भी हो, उनके चरणों में रहे। और श्लोक स्पष्ट है कि जिस समय हाथ और सिर उन चरणों में झुका देता है, अपने आंसुओं से उनके चरणों को लेता है, आंसुओं से को काशी दिखाई देती है, हरिद्वार दिखाई देता है, गंगा दिखाई देती है, देवी और देवता दिखाई देते हैं, तो समझना चाहिए कि हम सही अर्थों में शिष्य हैं। हम झुके और उनके चरणों में देवता दिखाई दे जाए, हम झुके और उनके चरणों में मंदिर मस्जिद काबा दिखाई देने लग जाए, हम झुके और उनके चरणों में सारे इष्ट और सारे देवता और महाकाली और महालक्ष्मी और महासरस्वती साक्षात रूप में हमारे सामने विद्यमान हो जाए, ऐसा सौभाग्य हो जाए तो हमारे जीवन की धन्यता है, फिर हमारे जीवन की पूर्णता है, फिर हमारे जीवन की अद्वितीयता है। और हम गदगद कंठ से, भाव विभोर होकर के, प्राणों को उच्छ्वास से, आंखों आंसू भर करके, दोनों बाहें फैला करके उनके चरणों में लिपट जाएं, ये हमारे जीवन की पराकाष्ठा है, पूर्णता है, श्रेष्ठता है, उस पल की तो तुलना की ही नहीं जा सकती, वह पल अपने आप में अद्वितीय है। और ऐसा ही सौभाग्य आप लोगों को मिले, ऐसा ही सौभाग्य आपके जीवन में नसीब हो, मैं आप सबको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप सही अर्थों में